कहाँ चले सरकार, आओ खाना है तैयार। मजेदार मसालेदार 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 मसालेदार। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। इंडिया आप तक समाचार में कुछ समय पहले कुकिंग विद माइकल तिवारी ऐसा एक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत हम लोग जलगांव में जो भी खाने पीने की होटल्स हैं, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं या बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, बड़ी होटल्स हैं, उसके बारे में लोगों को जानकारियाँ देने का प्रयास करेंगे। अभी मैं है सो आप लोगों को एक ऐसी जगह लेकर जाने वाला हूँ जहाँ पर बहुत ही सस्ते दाम में, मतलब मुझे ऐसा लगता है जब मैंने खाया था तो 50 से 60 रुपये जो था वो उसका थाली का पूरा था, अनलिमिटेड थाली है वो 50 से 60 रुपये में, और बिल्कुल मराठी भोजन है, मराठी खाना मिलेगा, गर्मा गर्म ताज़ा और नैसर्गिक। नैसर्गिक अर्थात उसमें कोई केमिकल नहीं रहेगा, किसी भी तरह का केमिकल का यूज उसमें नहीं किया जाएगा। मैं अभी गोलानी मार्केट से निकला हूँ और हम लोग चल रहे हैं अजंता चौक की तरफ। जलगांव शहर है ये, और जलगांव शहर में कितनी भीड़ भाड़ है होती आज के दिन ये भी देखने के लिए आपको मिलेगा। अभी मैं फिलहाल जब आ रहा था यहाँ से तो मुझे अजंता चौक से गोलानी मार्केट तक पहुँचने में काफ़ी समय लगा है। अब अभी चल रहे हैं और चलते चलते देखते हैं कि कितना समय लगता है हम लोगों का जनता चौक जाने पे, फिर मैं बताऊंगा कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं। चित्रा चौक, ये जो जगह है, ये जगह चित्रा चौक है, और चित्रा चौक में फिलहाल ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है, जबकि शनिवार का दिन है और ट्रैफिक पुलिस को यहाँ होना चाहिए था, लेकिन ट्रैफिक पुलिस की भी इसी तरह से यहाँ दिखाई नहीं दे रही है, और ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि ट्रैफिक पुलिस नहीं रहती है। तो ऑटो रिक्शाज हैं या बहुत कुछ हैं वो लोग गलत तरीक़ों से चला करते हैं। आपको एक खबर देता चलूं जो कल ही आई है, जलगांव में एक नया सिस्टम शुरू होने वाला है ट्रैफिक से रिलेटेड, कि अब आप अगर सिग्नल तोड़ते हैं तो आपको घर बैठे बैठे घर के अंदर आपको चलान आएगा, और चलान जो आएगा वो आपकी फ़ोटो के साथ आएगा कि आपने कौन सा सिग्नल तोड़ा, कब तोड़ा, कितने बजे तोड़ा, ये सब कुछ आएगा चालान। मतलब जो ट्रैफिक पुलिस के साथ आप लोग किसी मंत्री संतरी की बात करा दिया करते थे, अब भूल जाइए, अब ऐसा नहीं होगा। पुलिस अधीक्षक जो है सुपरिटेंडेंट दत्तात्रेय शिंदे, इन्होंने इसकी शुरुआत की है, देखना है कि कितना सफल होगा। फिलहाल तो ये पंगे में ये है कि यहाँ ट्रैफिक पुलिस ही नहीं रहते हैं, ट्रैफिक पुलिस नहीं रहते हैं तो यातायात आखिर किस तरीके से यहाँ पर सही होगा। फिलहाल हम एक सिग्नल पे हैं, रुकते हैं। अजंता चौक के लिए निकले हैं हम लोग, पहले अजंता चौक चल रहे हैं, अजंता चौक से हम लोग भुसावल की तरफ चलेंगे। ये भीड़ भाड़ देखिए, ये जलगांव सिटी है, और जलगांव सिटी में सैटरडे शनिवार के दिन इतनी भीड़ भाड़ रहा करती है, गाड़ियां जो हैं ये आप देख सकते हैं साइड में, यहाँ पर किस तरीके से किधर भी घुसा रहे हैं, कैसे भी चला रहे हैं। ये मोटरसाइकिल देखिए, कितने सारे लोग इस मोटरसाइकिल पे हैं, मतलब अगर देखा जाए तो पूरी रिक्शा है, ऑटो रिक्शा है वो जिस पे लोग जा रहे हैं, और लोगों को भी खुद ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग किस तरीके से कितना ये करते हैं। अभी हम लोग जो पुष्पलता बेंडाले चौक पर थे वहाँ पर हमने सिग्नल पे हम रुके थे, वहाँ ट्रैफिक पुलिस तो थी लेकिन वे साइड में बैठ के चालान काट रहे थे, वहाँ ट्रैफिक को संतुलित करने का काम नहीं चल रहा था। यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस है जो यहाँ पे है सो ये कर रहे हैं, और ट्रैफिक पुलिस जो है इस तरीके से ये लोग खड़े हैं यहाँ पे, ये लोग कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस यहाँ पे पालन कर रहे हैं, लोगों से पालन करवाया जा रहा है ट्रैफिक नियमों का। ये जगह काफ़ी व्यस्त है, आप देख सकते हैं राइट साइड में काफ़ी लंबी कतार लगी हुई है, और ये जो कतार है ये काफ़ी दूर तक है, इसका मतलब है कि यहाँ पर ट्रैफिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ चल रही थी, और भीड़ भाड़ की वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, देखिए ऐसा लग रहा है आपको जैसे मुंबई के किसी ट्रैफिक सिग्नल पे हैं और मुंबई में कहीं जाम लग गया हो। दाहिनी तरफ जहाँ पे बहुत ज़्यादा, मेरे दाहिनी तरफ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, चौक से लेके तो पांडवा पुल तक यहाँ पर लगातार भीड़ है। और डोसा तैयार है, समोसा तैयार है,
डोसा तैयार है, समोसा तैयार है, डोसा तैयार है, समोसा तैयार। दत्तात्रेय शिंदे जो पुलिस अधीक्षक हैं, वो कहीं ना कहीं पुलिस विभाग के लिए एक अच्छा काम कर रहे हैं, जनता के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। जलगांव के जो मनपा आयुक्त हैं, वो भी अभी अतिक्रमण की वजह से काफी सारी चर्चाओं में थे। अतिक्रमण तोड़ा गया था बहुत सारे लोगों का, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस है यहाँ पे, खुद ट्रैफिक पुलिस वाले की गाड़ियां लगी है, लेकिन ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करवाया जा रहा है, लोगों को चालान बनवाया जा रहा है। जंगली आपने देखा कि जिस चौक पे, चित्रा चौक पे, जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस नहीं थी, ट्रैफिक पुलिस तो वहाँ होना चाहिए था। चालान बनाना ट्रैफिक पुलिस का काम नहीं है, ट्रैफिक पुलिस का काम होना चाहिए या जो लोग हैं वाहन धारक हैं, जो लोग चला रहे हैं उनको कंट्रोल करे, ट्रैफिक को कंट्रोल करे, और अगर सिग्नल पे कोई गलती होती है तो उसकी वजह से सजा मिलनी चाहिए। फिलहाल ये जलगांव का भंगार बाजार बोला जाता है, यहाँ पे गाड़ियों का बहुत सारा सामान मिलेगा आपको, पुरानी गाड़ियाँ यहाँ पर तोड़फोड़ होती है, तो कई बार ऐसा होता है कि मरती हुई गाड़ी को जिंदगी यहाँ से मिल जाती है। जैसा कहते हैं कि ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन मिल जाता है किसी मरते हुए तो उसको गाड़ी के काफी सारे पार्ट्स यहाँ पे मिलते हैं। हम लोग पहुँच चुके हैं अब अजंता चौक पर। भाजी है मिर्ची, भजिया 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 भजिया, खाना 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 खाना। हम लोग अभी भुसावल की तरफ जा रहे हैं और भुसावल के रास्ते पर ही हम लोग चलेंगे नशीराबाद के आगे। आज मैं आपको लेके चलूंगा नशीराबाद के आगे, एक मुंजोबा नाम का स्थान है जहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है, उस जगह पे आपको शुद्ध देसी खाना खाने के लिए मिलेगा। भीड़ भाड़ बहुत रहती है, जो लोग नहीं आ पाए हैं अभी तक उनके लिए वहाँ चलना है और वहाँ पर एक भोजन का किस तरह से आनंद लिया जाता है, आनंद के साथ ये आनंद लीजिए तो शायद आपको भी आनंद आ जाए। आप चलिए देखिए, अगर आपको लगता है कि हमने कुछ अच्छा बताया तो वहाँ जरूर जाइए। वहाँ पे चार पांच लोग जो हैं घरेलू वातावरण में वहाँ पर खाना बनता है और बहुत ही टेस्टी होता है, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। चलते हैं और सीधा आपको नशीराबाद के लिए लेके चलते हैं। मजा ते मार ले जवैया। ये हम जहाँ पहुँचे हैं ये नशीराबाद है, नशीराबाद गांव है और काफ़ी भीड़ भाड़ वाली जगह है। देखिए रास्ते पे किस तरीके से गाड़ियाँ खड़ी रहती है। पूरे भारत भर में ट्रैफिक नियमों के लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है, ट्रैफिक नियमों की धज्जियाँ लोग उड़ाते हैं। पीछे ट्रक है और ये ट्रक वाले जो हैं वो पहले से ही बदनाम रहते हैं, मोटरसाइकिल्स हैं ये लोग किसी भी तरीके से चला करते हैं। अगर नियमों का पालन नहीं करेंगे तो दुर्घटनाएं होती रहती है और हम लोगों को दुर्घटना से बचना चाहिए। मैं बता रहा था कि ये जो है ये नशीराबाद गांव है, छोटा सा गांव है, आबादी ज़्यादा नहीं है, मैं ऐसा समझता हूँ कि लगभग 7 से 8 हज़ार घर होंगे यहाँ पर। छोटा सा गांव है पर जलगांव के नज़दीक है, तो काफ़ी आना जाना हुआ करता लोगों को जलगांव में। भुसावल और जलगांव शहर के बीचों बीच है ये। अभी हम लोग जा रहे हैं एक ऐसी जगह जहाँ पर खाना मिला करता है। मजा ते मार ले जवैया, मजा ते मार ले जवैया, जवैया वो मजा ते मार ले जवैया। तो नशीराबाद है, काफी सारी दुर्घटनाओं का तो है ही, यहाँ दुर्घटनाएं हुआ ही करती है। हम जो कर रहे हैं ये शूट, ये भी दुर्घटना को आमंत्रण है। धर्मेंद्र जो है वो मोटरसाइकिल पर उल्टा बैठ कर और फिर शूट कर रहे हैं और मोटरसाइकिल पर उल्टा बैठ कर चलना है। मुझे मोबाइल आ रहा था, मैंने मोबाइल बंद कर दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं खुद नहीं हमको तोड़ूँ। तो ये जो हम कर रहे हैं ये भी कहीं ना कहीं दुर्घटना को आमंत्रण ही है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और हम ये प्रयास करेंगे कि आगे से हम ऐसा नहीं करें, कुछ दूसरी पर्यायी व्यवस्था देखें ताकि ये सारी समस्या ना आए। अब बस हम लोग पहुँचने ही वाले हैं जहाँ पे हम लोगों को पहुँचना है। पहुँचना तक हम लोग हमारी टीम जो है वो ऑलरेडी थोड़ी भूखी है, मतलब खाना खाने का समय हो रहा है, अभी बज रहे हैं 12:30 और लगभग यही टाइम होता है खाना खाने का। तो हम लोग अभी जाएंगे और मुंजोबा जो है वहाँ पे देखते हैं कि खाना कहते हैं, देखिए कितनी लंबी ट्रक है और कितने पाइप्स हैं। एक्चुअल में ओवरलोडिंग का भी इनके भी नियम है, लेकिन नियमों का पालन तो भारत में ज़्यादातर होता ही नहीं है। हम लोगों को अभी दाहिनी तरफ ये होटल जो है ये दाहिनी तरफ है और हम लोगों को दाहिनी तरफ होटल पे चलना है। यहाँ पे वो स्थान है, अभी मैं पहुँच रहा हूँ।
मार ले जवैया। हम लोग पहुंच चुके हैं मुंजोबा, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज ये है कि जहां हम लोग आज खाना खाने आए थे सॉरी वो जगह आज बंद है, वो होटल आज बंद है। क्या कारण है तो वहीं जाकर पता चलेगा। ये मंदिर है मुंजोबा, ये मुंजोबा का मंदिर है और यही इसी नाम पर वो होटल चलती है। आइए चलते हैं, ये दिखाते हैं आपको कि होटल कहाँ पर थी। वो होटल जो है वो यहाँ वो होटल रहती है और आज यहाँ पे है नहीं। यहाँ अक्सर यहाँ पर कुर्सी और टेबल लगे रहते हैं और इसी जगह पे लोग बाहर बैठकर खाना खाते हैं, बहुत ही प्यार से खाना खाते हैं, दिल भर के पेट भर के खाना खाते हैं। माइकल है हमारे साथ जिनका ये शो है कुकिंग विद माइकल तिवारी। माइकल क्या है ये भूखे पेट आए हैं और यहाँ कुछ मिल नहीं रहा है। आज मैं वाकई दिल से माफ़ी चाहता हूँ, मेरे दर्शकों के लिए मैं कुछ खास नहीं कर पाया, जो कि आप समझ सकते हैं कि हम इंडियन लोगों के यहाँ त्यौहार मौत हम सब हर चीज़ को दिल से मानते हैं। तो आज हमारे जो धाम छूट करने वाले थे वो उनका कुछ प्रोग्राम निकल गया, इसके लिए आज मैं माफ़ी चाहता हूँ। देखिए मैं और मेरी टीम तो भूखे थे, खाली पेट आए थे कि यहाँ कुछ खाएंगे, लेकिन यहाँ के ऊपर कुछ मिल नहीं रहा है। माइकल क्या कर सकते हैं हम लोग तो आज ऐसा करते हैं हम कुछ नया कुछ और कोई जगह चलते हैं। हमारी जर्नी टू होटल के इस सफर में हम आज कोई नया होटल चेक करते हैं जहाँ हम कुछ नया व्यंजनों के बारे में बात कर सके। चलिए चलते हैं हम लोग, रास्ते में जो भी कोई होटल मिलती है अच्छा अगर कुछ है वहाँ पर तो हम लोग वहाँ ट्राई करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से क्या हम आपको और नया बता सकते हैं। फिलहाल ये बात याद रखिए कि हम वापस आएंगे यहाँ पर और यहाँ की जो वैशिष्टता है जो विशेषता है वो हम आपको दिखाएंगे। यहाँ देखिए गन्ने की गाड़ी, संतरा, वो सब बहुत कुछ प्राकृतिक चीज़ें यहाँ पर मिला करती है और जो लोग यहाँ पर आते हैं वो इन सब चीज़ों को जरूर देखा करते हैं। यहाँ बैठ के पहले खाना खाना, फिर वहाँ पर मट्ठा मिलता है वो मट्ठा पिया करते हैं, गन्ने का जूस किसी का पीने का मन करता है तो वो करते हैं, मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर बहुत कुछ प्राकृतिक मिला करता है। यहाँ हम आएंगे जरूर, लेकिन फिलहाल तो भूख लगी है, चलते खाना खाने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं माइकल तिवारी आपका इस नए कार्यक्रम इंडिया आप तक के नए कुकिंग विद माइकल में स्वागत करता हूँ। तो चलिए आज मैं अब ये कैमरा हमारे सर आनंद सर के हाथ से लेता हूँ क्योंकि वो जिस मकसद से आपको दिखाने आए थे कि हमारे नसीराबाद जलगांव भुसावल ट्रैवलिंग करते समय एक जगह जहाँ काफ़ी फ्रेश बगीचे से निकाला हुआ भरित बैगन बनता है और उसकी सर्विस दी जाती है, लेकिन आज हमारा अवभाग्य रहा कि हम वो सब नहीं कर पाए और हमारे सर को लग गई है अब जोर से भूख तो वो काबू नहीं कर पा रहे। मैं उनसे अब ये चार्ज ले रहा हूँ और आपको इस कार्यक्रम का आगे वाले शेष में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि नसीराबाद का ये जो जगह है जो स्पेशली मेंटेन किया हुआ है खानों के लिए खवैयों के लिए, बट ये एक धार्मिक जगह भी है जहाँ मंजू बाबा के पूजा करते हैं लोग, बहुत दिल से तय दिल से मानते हैं, जिनमें से मैं भी एक उनका भक्त हूँ। आज मैं इस जगह आया हूँ तो चलिए आज अब हम बात करते हैं हमारे भैया जी से। सर जी आज हम जिस मकसद से आए थे अच्छा। वो तो हमारा हो नहीं पाया, चलिए ठीक है, लेकिन चलिए आपका गन्ना का ये जो जूस का दुकान है हाँ। क्या मैं जान सकता हूँ ये दुकान आपका 12 महीने में देखता है चलता है हाँ, आप कहाँ से ये गन्ना वगैरह? नासिक से माल आता है, ये दूसरे स्टेट्स में सीजनल होता है ये गन्ना, लेकिन सिर्फ महाराष्ट्र एक ऐसा जगह है जहाँ इसका कोई सीजन नहीं है, ये आपको 12 महीने अवेलेबल है, 24 घंटे अवेलेबल है, बराबर सर? हाँ, ये गन्ना जो है ये अपने जलगांव जिले का नहीं चलता है, अच्छा नासिक का ही चलता है, नासिक का गन्ना है, क्योंकि नासिक का जो माल है वो एक नंबर नरम गन्ना, अच्छा नरम गन्ना, कड़क गन्ना, ओहो तो ये भी फर्क होता है, वेरी गुड वेरी गुड। तो चलिए सर जी एक और बात बताना चाहूँगा मैं आपको कि आप ये जो जगह पे आपका गन्ने का बिजनेस है जहाँ ये हमारा भरित का फ्रेश मिलता है तो इससे आपके धंधे पे कोई फर्क गिरता है? नहीं कुछ नहीं, इससे कोई फर्क नहीं, और इन आपके धंधे से के वजह से उनको कोई फर्क है ना? आप दोनों अपने अपने जगह पे वो ये बात क्या बात है सर। तो चलिए इसी के साथ में अब हम आगे चलते हैं हमारा जर्नी टू होटल्स में और आगे हम मिलते हैं। अभी हमारे आनंद सर को लगा है बहुत जोर से भूख, अब करना है हमको खाने का बंदोबस्त। मजा तय मार ले जवैया। तो चलिए अब जैसे हम मंजोबा
के यहाँ दरबार पे गए थे और हमारा बदकिस्मती थी कि हम वहाँ से कोई खाने की आपको जानकारी नहीं दे पाए, बट ये शो चलता रहेगा, द शो मस्ट गो ऑन जो हमारा स्लोगन है। और आनंद शर्मा सर ने मुझको पहले ही बोल दिया था कि माइकल लगी है जोर से भूख, चलो कहीं चलते हैं। तो आज जिस तरीके से अब हमारा कारवा शुरू हुआ है, चल रहा है, तो अब हम आ गए नसीराबाद के टोल नाका के बिल्कुल पास एक होटल है जिसका नाम है जय भोले, न्यू जय भोले। और ये होटल काफ़ी पुराना है, 40 साल पुराना होटल है और 20 साल से कंसेप्ट इसका चल रहा है और बहुत प्रचलित यानी फेमस होटल हम जिसको बोलते हैं, इस लेवल पे इस होटल का फूड है। और आपको बताना चाहूँगा मैं कि इनके जो हमारे शर्मा जी है, पवन शर्मा जी, ये संभालते हैं इस चीज़ को और अभी एट प्रेजेंट है वो यहाँ पे। सर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये काफी कितना साल पुराना होटल है? 40 साल पुराना होटल है अपना। अच्छा, हाँ, बिल्कुल, सागरी जलगांव भुसावल के बीच में। हाँ हाँ, अच्छा अपना रिस्पांस रहता है। अच्छा रिस्पांस है। अच्छा, ये मैं आपको और एक बात पूछना चाहूंगा कि वेज खा होटल है पूरा, जैसा कि नाम भोले है, शिव भोले, जिनका जिनका कृपा दृष्टि जिन पे हो जाए तो भोले भोलेनाथ की कृपा। तो आपके यहाँ क्या क्या कुछ खास है? आपके यहाँ भोले स्पेशल डिश है अपने यहाँ। हाँ जी, भोले स्पेशल। जय भोले स्पेशल, बाबा भोले जी के नाम पे रखा हुआ है। अच्छा, मिक्स वेज है, ड्राई फ्रूट है, काजू है, बादाम है, किशमिश है। बढ़िया बढ़िया, एकदम शुद्ध सागरी, चांदी की बर्फ लगाते हैं उसको। हाँ, अच्छा, ये जो होटल है आपका, ये काफी समय से चल रहा है, तो यहाँ शाम के समय भीड़ होता है या दिन में? ठीक ठाक रहती है। अच्छा, आपके पास स्टाफ वगैरह कितने हैं ऐसे काम करना है? तो 10 से 15 लड़के। बहुत बढ़िया, आप यानी इतने लोगों की आपको उपलब्धि लग जाती है, बहुत ठीक है। और चलिए हम उस आगे चलते, कुछ और आपके यहाँ का कुछ खासियत भी देखेंगे। मजा तय मार ले जवैया, जवैया हो, मजा तय मार ले। और पसंद देखना चाहेंगे कि आपके जो किचन है, ये वाकई लाइव किचन दिख रहा है मुझको, ये तो पूरा लाइव किचन रखा है आपने। तो चलिए देखिए कैसा है कि अक्सर ढाबा बोलते साथ लोगों को लगता है गंदगी और काफी मन में ये रहता है कि भाई सफाई होगी कि नहीं, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ आपके यहाँ काफी साफ सफाई दिख रही है। आपने बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया है साफ सफाई को। सफाई भी रहती है, अपना ध्यान रहता है। और क्या बात है, यानी आप मोदी जी की इस बात को बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये जो साफ सफाई आपने मेंटेन किया, ये उम्मीद करता हूँ हमेशा रहे, क्योंकि हमारे यहाँ नहीं सफाई पे रहना, सफाई मेरे पास खाना सफाई रहता, उसके अलावा कोई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मैं काफी होटल्स में जाता आता रहता हूँ, देखता हूँ कि साफ सफाई की दिक्कत होती है, लेकिन जो मैं यहाँ देख रहा हूँ काफी सफाई दिख रही है, सफाई पे पूरा फोकस रहता अपना। चलिए, अपने एसी रूम नहीं है, ढाबा टाइप है, तो मेन फोकस सफाई नहीं रहता। अच्छा, तो चलते हैं अब हम किचन के उस्ताद से किसी से कुछ, आप अच्छा कुछ बनाना, आप कुछ डिश बनाना पसंद? अच्छा, बनाना पसंद कर दिखाएंगे, ठीक है। चलिए मैं आपका फिर उस डिश का उम्मीद करता हूँ कि आप जल्दी पहुँचाए वो डिश। मजा तय मार ले जवैया, जवैया हो, मजा तय मार ले जवैया। तो सर, जैसा आपने बताया था कि जय भोले आपका स्पेशल डिश है और हम अब उसे टेस्ट करने वाले हैं और उसके बाद हम आपको जरूर उसके बारे में बताएंगे कि आपने वाकई सच बोला या झूठ, जो भी है आपके सामने होगा। खाने के बाद ही पता लगता है। हाँ, ये बात तो है। तो अपनी तरफ से तो हर आदमी कोशिश बढ़िया करता है बनाने। इस डिश में मैं देख रहा हूँ काजू बादाम तो दिख ही रहा है मुझको, चांदी का वर्क भी दिखा है, अंदर जो एक अंदर जो घिस कर आपने डाला है वो क्या है? पनीर घिसा हुआ है। अच्छा, चीज है, मशरूम है और मिक्स वेज है, मिक्स वेज में गाजर आता, शिमला आता, बीन्स आता उसमें। अच्छा, और ये इसका टेस्ट जो है, ये तीखा है, ये चटपटा है, मीडियम टेस्ट रहता है, खानदेशी अपना जैसे रहता है, खानदेशी और थोड़ा पंजाबी का तड़का मिलाकर ऐसा फ्यूजन, हमारा पंजाबी और महाराष्ट्रियन का फ्यूजन बोलते हैं हम इसे। बढ़िया बढ़िया, तो ऐसा है, बाइट तो ले ही लिया है। सर जी, आपका अभी ये टेस्ट जो है कैसा लगा सर? पहले मैं थैंक यू खाने अच्छे खाने के लिए, होटल भी अच्छी है, साफ सुथरी है और खाना तो अच्छा है, अभी खाने दो, बाकी की बातें देखिए। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे आनंद सर बिल्कुल रुकने के मूड में नहीं है और वाकई हमारा सुबह से जो सर ने निकाला हुआ ये एक किस्म का आंदोलन था कि नहीं, हम जलगांव, भुसावल
और इस हाईवे पे बने हुए सब अच्छे होटलों को सामने लाएंगे और आनंद सर का जो ये लक्ष्य है ये हमको किसी तरीके से पूरा करना है। जी थैंक यू वेरी मच, आपने हमको साथ दिया इसके लिए, थैंक यू सर। मजा तय मार ले जवैया जवैया हो, मजा तय मार ले जवैया। हमारे भाई साहब पार्सल लेने आए तो मैंने जस्ट उनसे जानकारी लिया तो पता चला वो यहाँ से लोकल है। लोकल सर, आप लोकल होते हुए आप ढाबे से खाना ले जा रहे हैं, कुछ खास? कभी कभी तो ऐसे ही लगता है ना, घर की सब्जी तो रोज ही खाते हैं कुछ टेस्ट भी तो मायने रखती है। अच्छा, तो आपका हिसाब से जो जय भोले होटल है इसका खाने का क्वालिटी आपको ज्यादा पसंद है? तो सिर्फ जय भोले पर ही आता हूँ। क्या बात है, कम से कम सब्जी लेके जाता हूँ। अच्छा, ये सब्जी में अभी आप, मैं देख रहा हूँ दो डब्बे आपके सब्जी के। अभी मैंने काजू करी के दो पार्सल लिए है। अच्छा, काजू करी लिया और एक दम नाल लिया। बहुत बढ़िया, देखना चाहूंगा मैं। ओहो, ये सिर्फ दो प्लेट काजू करी है लेकिन क्वांटिटी भी अच्छी, क्वांटिटी बड़ी अच्छी है। और सबसे बड़ी बात, एक फाइव स्टार के तरीके से आपने उसके ऊपर गार्निशिंग किया हुआ है, गार्निशिंग के साथ आप दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और ये काजू करी मेरे हिसाब से आपके घर में सभी को पसंद आती है, कश्मीरी टाइप काजू करी है। अच्छा, और ये दूसरा डिश आपका क्या है? ये दूसरा डिश दम आलू है। दम आलू पंजाबी? ये पंजाबी टाइप है, पंजाबी स्टाइल का है। क्या बात है, गार्निशिंग भी बहुत अच्छा है। क्या बात है, पंजाबी स्टाइल का जी जी, चलिए ये इससे तो ये साबित हो जाता है कि कम से कम अलग अलग टेस्ट अपने को एक ही जगह पे मिल रही है। हाँ हाँ हाँ, बराबर। यानी जय भोले सर, वाकई जय जय भोले, जय भोले। तो चलिए, अब हमारा जो आज का दोपहर का लंच है हमने कर चुके हैं जय भोले होटल के अंदर। और वाकई में जो हमारा जो डाउट्स थे कि भाई टेस्ट अच्छा होगा नहीं होगा, और हमारा शर्मा जी से जब बात हुआ था कि शर्मा जी आप सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं? नहीं नहीं, मैं बोलना चाहूंगा कि नहीं नहीं, मैंने आपसे बोला था भाई खाने पहले खा के देखो, अपनी तरफ से तो हर लोग बोलता है भाई खाना अच्छा है, तो आपको खाना खाने के बाद कैसा लगा आप मेरे को बता सकते हैं? क्या कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। माइकल तो रास्ते में हमको मिला था, शुरुआत मैंने की थी और अंत भी मैं ही करता हूँ। आइए जय भोले बाबा है एक हाईवे, वहाँ पे आइए, खाना खाइए और देखिए कि हमने जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाई है वो कितनी सही है कितनी गलत। अगर गलत हो तो ज़रूर YouTube पे कमेंट कीजिए कि हाँ यहाँ पे होटल सही नहीं थी। नमस्कार, अगले एपिसोड तक के लिए। हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबा कर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।